दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी की अध्यक्षता संभालते ही शाह वली दरगमुला दरगाह पर हाजिरी दी। इसके बाद नासिर असलम ने कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। नासिर असलम वानी ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें ताकि आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक आंदोलन है। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कुपवाड़ा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सज्जाद गनी लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दशकों से जम्मू कश्मीर में लोगों का स्वागत किया है। इस मौके पर दर्जनों अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार बना सके। टंगमग में नागल सपलान खाग में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान में वन विभाग से जुड़े कई अधिकारी शामिल हुए। इस अभियान में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। अभियान में वृक्षारोपण अभियान के महत्व पर प्रकाश डाली गई। लोगों से वनों के महत्व को समझने पर जोर दिया गया। प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च करने के लिए और हमारा जो इसका मेन मकसद है, प्लांटेशन तो हम करते ही रहते हैं, एक अवेयरनेस जनरेट करना कि हम लोगों के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, उसको हमें डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना और लोगों में इसके बारे में जागरूकता लाना। आज हमारी जो स्पीड है वो 3 गुना हो गई है। आज हम करीब 18,000 हेक्टर जो है एक साल में ट्रीट कर रहे हैं। जनरल पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि हम आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम आपकी ज़रूरतों को देख के हम अपनी जो प्लांटेशन हम कर रहे हैं उसमें हम आपकी ज़रूरतें, फॉडर की ज़रूरत है, मेडिसिनल प्लांट की ज़रूरत है, आपकी टिम्बर स्मॉल टिम्बर की ज़रूरत है, फायरवुड की ज़रूरत है, आपको पानी की ज़रूरत है। आज हमने नया दिया हुआ चीज़ों को पानी को लेकर के जहाँ जहाँ पे वाटर चैनल्स हैं हम उसको इंपाउंड करके हम वाटर रिचार्ज बढ़ा रहे हैं। हम छोटे छोटे डैम छोटे छोटे वाटर पॉइंट्स भी बना रहे हैं सो दैट गांव के लोगों को पानी मिले। इसलिए हमारा पूरा ओरिएंटेशन पब्लिक के लिए है।